हाँ जी गाइस, दिस इज गगनदीप। हाँ जी बेटा, लेक्चर 7 पार्ट 3 लेके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾ ਮੈਥਡਸ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਡ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਥਡ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਓ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਕਿ ਵਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਥਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਚਰ ਡੈਟ ਅਲਾਓ ਏ ਕਲਾਸ ਟੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਮੈਥਡ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਨੇਮ ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਇਨ ਜਾਵਾ, ਬਟ that allows a class to have more than one constructor having different argument list. So we can say a method is a simple function, theek hai, having the name. Method de beta name hunda hai, name like koi bhi le sakde, jivein get data, gagan, jo marzi user defined name le sakde ho. Method do tarah de hunde, apan last lecture de vich discuss kar chuke ha, user defined method and inbuilt method. Theek hai, ta user defined method de andar tusi uska koi bhi name le sakde ho, ta method da name hoega uski type hoegi बेसिकली। तो एक चीज़ ध्यान रखियो, जो कंस्ट्रक्टर है बेटा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की होंगे कि इसका नेम जोड़ा होएगा वो क्लास के नेम पर होएगा और इसकी कोई भी जी है डाटा टाइप नहीं होंगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर की कोई भी डाटा टाइप नहीं होंगी और मैथड की डाटा टाइप होंगी है। ठीक है जी, मैथड तुम किसी भी टाइप का ले सकते हो। तो अब आप गल करते हैं कि मैथड ओवरलोडिंग की है। जावा के मैथड ओवरलोडिंग का मतलब की है बेटा? ओवरलोड कि मैथड तुम बार 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 कॉल कर रहे हो, सेम मैथड नेम है। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखियो कि जिहदे च पैरामीटर जिहड़े तुसीं पास करदे हो अराउंड ब्रेसिस के अंदर वो डिफरेंट होंगे। द मैथड ओवरलोडिंग इज़ द प्रोसैस ऑफ ओवरलोड द मैथड मल्टीपल टाइम्स बट हैविंग सेम सॉरी हैविंग डिफरेंट लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है जी, तो अगे गल करते हैं, मैं तुहानूं दिखावांगी की हुंदा मैथड। एडवांटेज की है बेटा मैथड दी आपां नूं, कि अपनी रीडेबिलिटी नूं इनक्रीज करता। ठीक है जी, अपने कोल डिफरेंट डिफरेंट वेज है मैथड को ओवरलोड करने के लिए। तो जिदा तुम कि आर्गूमेंट नेम चेंज कर सकते हो या डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स का मतलब की है कि एक जो तुम मैथड का नाम मान लो गगन रख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ, लेट अस चेक इट। फॉर एग्जाम्पल जिदा बेटा आप कोई क्लास ले रहे हैं गगन, ठीक है जी, ये आप कर रहे हैं एक तुम इंटीजर ले लिया, ये तो भी इंटीजर ले लें। हूँ आप मैथड लेना बेटा void get data नाम का, मैं कोई मैथड लिया, देखो ये अराउंड ब्रेसिस आ, इतने मैं वो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करावगी। ठीक है जी, तो अगर तुम इस तरह एक मैथड होर लेना चाहते हो void get data, सेम नेम है। ठीक है जी, यदि बॉडी आप अलग लै रहे हैं। हुण डिफरेंस की होएगा, तुहानू जां तां ये डिफॉल्ट है तो ये एक सिंगल पैरामीटर एक पास कर सकते हो। ठीक है जी, जां फिर तुसीं ये कर सकते हो कि जे तुसीं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हैविंग नो पैरामीटर, आपां उसनू बोलदे हां डिफॉल्ट मैथड, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं मैथड। ठीक है जी, मैथड क्यों है? क्योंकि इहदा नेम है, इहदी टाइप है, कंस्ट्रक्टर की टाइप नहीं होंगी और कंस्ट्रक्टर का नाम वो होएगा जो क्लास का नाम होएगा, बट इहदा नाम दोनों डिफरेंट है। ठीक है जी, ये सिंगल पैरामीटर पास किया है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਥਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ void get data int p comma int q। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਮੈਥਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਰ ਮੈਥਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਸਮ
प्रोग्राम्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। मेथड ओवरलोडिंग है, हैविंग नो आर्गूमेंट्स, सॉरी चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। तो हम आप ये करते हैं, सब तो पहले जो आप मैथड ओवरलोडिंग ही कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी स्टैटिक फंक्शन के नाल, स्टैटिक फंक्शन के नाल, स्टैटिक मैथड के नाल, फिर इसमें आप पब्लिक मैथड के नाल भी करा। तो स्टैटिक मैथड कि होंगे बेटा, जिस दी आपां नूं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पैंदी, ठीक है जी। क्लास के नाम नाल ही कॉल हो जाते हैं ये। तो हुण आपां की इन्हां दे जिहड़े मैथड होणगे ना स्टैटिक मैथड, वो क्लास के नाम नाल ही कॉल कर सकते हैं। जिदा ही मेरे को एक क्लास लै ली है, आ मेरा बेटा की आपां स्टैटिक क्यों लगी ने उरे लगाया, इंट डाटा टाइप है, ऐड मेरा मैथड का नेम है। ये मैथड के अंदर मैं दो पैरामीटर ले आ, दोनों नूं आपां की है प्लस करा के आंसर देना है। एक ए मैथड हो गया बेटा, एक ए मैथड हो गया। देखो सेम नेम है इंट ऐड, इतने भी सेम नेम है इंट ऐड, बट ये की होगा पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होगी। इस दो ले आए, ये आप तीन ले लिया, इन्हें तिना का रिजल्ट चाहिए, ठीक है जी। तो हूँ अगे की होएगा बेटा, मेन क्लास ले ली है मैं, कोई भी ले सकते हो, ठीक है जी। मेन क्लास, हाँ जी, उसके अंदर आप मेन मैथड हो गया थोड़ा। इस तो बाद प्रिंट करवाना है, देखो जेडे मेरे को मैथड है ऐड दो पैरामीटर, ये दो पैरामीटर की वैल्यू देवे जी, तीन है तीन की वैल्यू देवे, ठीक है जी। तो जरा इस मेरे को मैथड है वो कि कॉल हो रहा है, गगन 41 क्लास के नाम नाल कॉल हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक जो मैथड्स होंगे उन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पैंती। तो लेट अस चेक इट, 42 सेव एज गगन 42 डॉट जावा। एक बार आप चेक कर लिए बेटा, सम टाइम रिकॉर्डिंग जी हैगी है वो नहीं होंगी। चलो अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ जी, हाँ जी, चलो आप गगन 42 डॉट जावा के नाम से सेव करते हैं। हाँ जी, इन चेक करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, cmd cd backslash cd जावा JDK 14 बिन जावा सी गगन 42 डॉट जावा जावा गगन 42। चेक करो वह आंसर आ गया बेटा 40 एंड 30। कि आया आप पहले दो आर्गूमेंट पास किए 20 20, वो वैल्यू पास की 20 प्लस 20 कि आंसर आ गया 40। दैन 10 प्लस 10 प्लस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 30। इज इट क्लीयर गाइज, आई थिंक तुम्हें क्लीयर हो गया होना। हूँ इस प्रोग्राम में बेटा मैं पब्लिक दे नाल, पब्लिक मैथड के ना करके दिखाई है, आप यह कंसैप्ट क्लीयर कर लिया सी लास्ट। पब्लिक मैथड के होंगे कि सानू उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पैंती है, और स्टैटिक दे विच सानू कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पैंती, ठीक है जी। तो हूँ इस सेम प्रोग्राम में बेटा आप गल करते हैं, लो जी एक नई न्यू फाइल लेने, ठीक है जी। इस दे अंदर देखो की किया, मैं एक क्लास ली है गगन नाम की, गगन गैग नाम की, ये तीन वेरीएबल ले रहे जी, वॉइड गैट डेटा नाम का एक मैं मैथड ले लिया, वो अंदर दो पैरामीटर है, इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू मैं असाइन कराती है, ठीक है जी। आ ए है आ पी है, तो ए इज इक्वल टू पी, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे हैं तो लेना रिजल्ट ए बी का, तो आप वैल्यू असाइन करवानी पैनी है, ये असाइन करवाई है, हाँ जी। फिर ये प्रिंट आप आउटपुट की आए ए प्लस बी, दोनों का जोड़ होकर आए प्लस होके। इस तरह एक मैथड होर लिया, बट हैविंग डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, इस तीन पैरामीटर है, तिने पैरामीटर्स नू वैल्यू असाइन की, इस तो बाद तिना का प्लस चाहिए, हाँ जी। ये कंप्लीट हो गया प्रोसैस, इस तो बाद अपन न्यू क्लास क्रिएट की, अपनी मेन क्लास मेन फंक्शन है, तो पुरानी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के नाल मैं दोनों मैथड्स नू कॉल की, पहले मैथड के दो पैरामीटर है, दूजे मैथड के तीन पैरामीटर है। तो हूँ आप चेक करते हैं कि यह अपना आंसर आएगा, फाइल का नाम हैगा वाई, हाँ जी, सेव एज y dot java, yes java c y dot java java y, हाँ जी आंसर इज देयर, 5 प्लस 4 9 एंड 6 प्लस 3 9 प्लस 4 13, ठीक है जी, आंसर बिल्कुल सही है। तो इन्हें तुम चेक कर सकते हो।